मुझे मेरा हस्बैंड ही कहता है कि जब मैं बाहर से आता हूँ तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज है गोलियां दवाइयां लाता हूँ सर के दर्द की। कहती है अगर तुम्हारा पेट काटा जाए तो शायद गोलियां ही निकली। वो कहती रिमोट कंट्रोल ना, रिमोट कंट्रोल मैं अपने सर पे मारती थी, इतना पेन होता था। एंड शी इज कंप्लीटली क्योर्ड, कंप्लीटली क्योर्ड। मुझे भी ऐसा माइग्रेन कभी कभी जब होता है, जंक फूड है, एनवायरमेंट है, पोल्यूशन है, माइग्रेन क्रिएट करती है। अरे बंदा एक बोला नहीं जाता, इतना दर्द होता है। पहले तो मैं बता दूं मैं कर क्या हूं। देखिए हीलिंग में बहुत सारे आर्ट्स आते हैं, म्यूजिक भी हीलिंग है। जब आप किरत सुनते हैं कुरान की, और बास कारी ऐसे होते हैं कि जिनकी आवाज आपके दिल को लगती है, ये जो रेजोनेंस है आवाज की, वाइब्रेशन है, ये भी हीलिंग है। कह बिल्कुल है। किसी जमाने में सैगल के बारे में कहते थे कि जी वो ऐसा राग अलापता था कि शीशा टूट सकता था। ठीक है, अब वो भी रेजोनेंस है, साउंड वेव जो क्रिएट होती है। तो बोलने में अगर आपकी आवाज में एक जादू है तो वो भी हीलिंग होता है दूसरों के लिए। कुरान की जब आयत की तिलावत होती है तो वो भी वाइब्रेशन पैदा करती है, हर लफ्ज वाइब्रेशन पैदा करता है, वो भी हीलिंग है। इसी तरह एनएलपी, हिप्नोसिस, फोर डायमेंशन, रेकी, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें दुनिया में हीलिंग आर्ट्स में। इसी तरह दवाइयां भी हीलिंग है। एक अच्छा डॉक्टर ऐसा होता है, बाल डॉक्टर, कि आप उसके पास बैठे, वो आपसे बीमारी बाद में पूछेगा, पहले गपशप करता है 10 मिनट, आधी बीमारी आपकी वही खत्म, वो भी हीलिंग है उसकी। अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, ये आपके अपने घरों पे कर सकती है। ठीक। पहली चीज ये बता दूं कि ये टेम्पररी होगी और इसको आप बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी अपनी एनर्जी यूज होगी। अच्छा, बार बार ना करें? बार बार ना करें। अच्छा। घर में कोई बीमार है, 1-2 महीने आपने उनके लिए की, अब सबके लिए बीमारों के लिए नहीं कर सकती। वजह यह है कि इस टेक्निक, जब तक आप अट्यूनमेंट नहीं होती, रेकी में आपकी एक अट्यूनमेंट होती है, अगर अट्यूनमेंट नहीं हुई आपकी, तो जब आप ये अमल करेंगी तो आप अपनी एनर्जी इसको देंगी। लेकिन अट्यूनमेंट करने के बाद बार बार कर सकते हैं? अट्यूनमेंट के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, 1000 पेशेंट के लिए कर सकते हैं। अट्यूनमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर साहब के पास, हमारे पास ये कोई। लेकिन लोग कहते हैं हम टीवी से अट्यूनमेंट कर देंगे। नहीं, टीवी से अट्यूनमेंट नहीं होती, फोन से अट्यूनमेंट नहीं होती, ये चीजें याद रखिएगा प्लीज। लेट्स बी वेरी ऑथेंटिक, मैंने सारी जिंदगी हक की बात की है, आई स्टैंड फॉर दैट। आपकी प्रेजेंस जरूरी है जब आप अट्यूनमेंट करवाएं। एक प्रोसेस होता है, उसमें हम आपके जो चक्कर काटते हैं और आपकी जो नर्व प्लेक्सीज है, पता नहीं आप टेक्निकली जानते हैं कि नहीं, नर्व प्लेक्सीज होती है हमारी बॉडी में, उसकी अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम ऑल्टर करते हैं। उसके बाद जब आप किसी को टच करेंगी या किसी चीज को टच करेंगी इस नियत के साथ कि इसके अंदर अल्लाह ताला शिफा डाल दे, तो आप अपनी एनर्जी नहीं देंगी। रेकी वर्ड का मतलब है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स या कुदरती हयाती तवानाई। तो आपकी नहीं है ये हीलिंग, ये अल्लाह की है, आपके जरिए जाती है। मैं उनसे बड़ी मदद खाऊं जो कॉल्स कर रहे हैं और उनकी कॉल जो है ना वो नहीं लग रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ सर जो अमाउंट ऑफ जो आ रहा है इस वक्त कॉल्स का, वो उसके लिए बड़ी माजरत, लेकिन ये बड़ी जरूरी चीजें हैं जो बड़ी सुनना। अच्छा। जरूरी है जी डॉक्टर। तो ये कभी कभी कीजिएगा। अब ये काला धागा मैंने इसलिए मंगवाया कि कुछ हालात ऐसे, फॉर एग्जांपल आपको लेक्चर देने जाना है या प्रेजेंटेशन देनी है, इनका इम्तिहान है, इनका ऑफ जॉब के लिए इंटरव्यू है, या अगर आपको लगे कि जी आप पे नजर लग जाती है, किसी शादी में जाएंगी अच्छे कपड़े पहनेंगी नजर लग जाएगी, तो ये धागे वाली टेक्निक इन चीजों के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, सिचुएशन बता दी। अब आप धागा लें इतना कि जो मोटा करके आप 2-3 तय करके अपनी कलाई पे बांध सकते, इतना बना लें कि अपनी कलाई पे बांध सकते। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मुश्किल ही नहीं, जितना कि आपकी कलाई जो है उस पर आप एक धागा बांध सके। अगर आपको यहाँ शो नहीं करना तो आप ऊपर बांध लें, ताकि अगर आप नहीं चाहती कोई देखे तो आप ऊपर बांध लें, अपने बाजू पे बांध लें, मगर उसके बाद काम होने के बाद इसको निकाल देना। अच्छा, काम होने के बाद निकाल देना, निकाल के, और फिर आप इसको या तो बहते पानी में फेंक दें, या फिर आप कच्ची मट्टी है उसके अंदर डाल दें, अगर आपको वो भी ना मिले गीली मट्टी, तो या फिर आप अपने कबट में रखें, 5-6 दिन के बाद इसका असर खत्म हो जाए, फिर इसको वैसे ही कचरे में भी फेंक दे, फिक्र नहीं, फौरन आप कचरे के डब्बे में, ट्रैश कैन में नहीं फेंकेंगे इसको। अच्छा ठीक है, सपोज जैसे माया ने बड़ा अच्छा काम किया, बस ये हो गया, हो गया डॉक्टर, इसको तोड़ दो, बस तोड़ दो इसको। माया एक्सपर्ट धागे बना। हाँ, मेरा धागा भी था एक जमाने, अम्मा ने मेरे नाम से फैक्ट्री भी खोली थी। अच्छा, अब करना ही है कि आपने, अच्छा ब्लैक क्यों लिया है? ब्लैक एब्जॉर्ब्स लाइट, आपको पता है? बिल्कुल। इसी तरह ब्लैक जो है किसी किस्म की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ये कलर में ये खासियत है, तभी नजर के लिए काला धागा, इसलिए नजर के लिए काला धागा इस्तेमाल किया, हर चीज का एक रीजन है साइंस। राइट राइट, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये किया कि धागा आपने लिया, आप इसको अपने हाथों में रखा, और जिस्म पे कोई मेटल ना हो आपके, जब आपकी हीलिंग करे तो मेटल ना हो, ठीक है ना, ये आपने उतार कर दी। अब आपने इसको लिया, आंखें बंद की, अगेन आपका अकीदे के मुताबिक, अगर आप मुसलमान हैं, दुरूद पढ़ा आपने, उसके बाद आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़े आप, अगर आप हिंदू हैं तो अपने मजहब के लिहाज से क्रिश्चियन है, उसके बाद पढ़ने के बाद असल जो चीज करनी है वो आपने इसको मुट्ठी में रखते हुए अपने आप को तसव्वुर करना है, और तसव्वुर करना है
कि आप वो काम कर रही है और वो काम कामयाबी से हो गया, जैसे उरूद ने आपको बताया था, क्रिएटिवली विजुलाइज करना है, मगर एंड रिजल्ट आउटकम को फोकस करना है। और उस आउटकम को जब आप फोकस करेंगी कि जैसे लोग तालियां बजा रहे, आपको जॉब मिल गई, आप घर में वापस आ गई और कोई बीमारी नहीं, कोई नजर नहीं लगी, उस वक्त फीलिंग भी आपने पैदा करनी है कि जब ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं क्या फील करूंगी या करूंगा। वो जो फीलिंग है वो वैसे तो आपकी जेन्युइन नहीं होगी, फेक होगी, मगर आपके ब्रेन को नहीं पता कि आप वाकई गुलाब जामुन खा रहे हैं या आप सोच रहे हैं जो गुलाब जामुन खा रहे हैं। इतनी क्लोज टू रियलिटी, 5 मिनट करने के बाद 3 दफा अपना नाम लेना, या किसी और के लिए बना रहे तो उसका 3 दफा नाम लेना, लेट्स से मसूद मसूद मसूद, ठीक है, और मसूद के तो बारे न्यारे हो गए, मसूद के बारे न्यारे ही कहने लगे, और उसके बाद आपने 3 दफा नाम लिया। अगर आप 2-3 लोगों के लिए कर रही है तो हर एक शख्स का नाम 3 दफा, उसके बाद मुट्ठी खोल के आपने। अच्छा मैं जरा सा रोक रही हूँ आपको, सॉरी, यहाँ पे सारे सुनने के बाद बाबा बन जाएंगे अभी। हाँ, बाबा कभी कभी के लिए, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी, आपके जिस्म के गिर बायो प्लाज्मा, एक आपकी नर्वस सिस्टम सेक्रेट करती है बायो प्लाज्मा। एक जमाने में अगर आप याद हो, बचपन में साइंस स्टूडेंट थे तो आपको कहते थे मैटर इज इन 3 फॉर्म, लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड। फिर उसके बाद साइंस ने कहा नहीं, एक और फॉर्म में भी है, वो है प्लाज्मा। उसके बाद एक नई रिसर्च आई कि नहीं, बायो प्लाज्मा भी कोई चीज है। तो साइंस वक्त के साथ साथ जिस चीजें डिस्कवर करती है, तो आपके जिस्म के अंदर से एनर्जी जो बाहर निकलती है वो एक हाला सा बनाती है, उसे ऑरा कहते हैं। और कुरान में परवरदिगार कहता है कि हमने तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे चारों तरफ फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, ये फरिश्ते आपका ऑरा है। तो साइंस अभी दरियाफ्त है, इस्लाम ने 14 साल पहले हर चीज बता दी। अब आप इसको पहना दें या खुद पहन ले, आपका काम हो जाए, मैंने आपको बताया 2-3 दिन रख दें, आप दिस इज ऑल्सो वर्क एज ए ट्रिगर। ट्रिगर अभी इनको समझ में नहीं आएगा, मगर प्लीज ये ख्याल रखे कि ये काम सिर्फ आपने कभी कभी करना है, ठीक है। और लड़के ये ना करें कि ये पहन के लड़कियों के कॉलेज के बाहर खड़े हो जाएं, क्योंकि वो भी हरकत की है। वो नाम रखा मसूद ने और सोचा आगे सलमा के बारे में, हाँ, आगे सलमा जो है ना, मैं बन जाऊं उसका बलमा और बांध के खड़े हुए कॉलेज के सामने। बड़ी इंटरेस्टिंग, एक दफा लाहौर में बहुत सारे यंग लड़के क्लास में, 4 डायमेंशन में, मैं बड़ा हैरान, तो वो लड़का जिनको लेके आया था उसने कहा, सर लास्ट टाइम मैंने वो चक्रा और एक्टिवेशन की सीडी सुनी, उसके बाद सर वो मैं जिसको चाहता था वो अट्रैक्ट हुई, तो सारे लड़के वो सीडी सुन के कॉलेज की बात कर। तो ये मत कीजिए, अब इसके आदमी काला खाता नजर आया ना, पहले मैं पकड़ूंगी। अच्छा, सुनने किया क्यों है? अब अगर लेट से घर में कोई बीमार है आपके, ठीक है ना, और वो अंगूठी पहनने की आदत है, शर्त ये, देखे पत्थर में कुछ नहीं होता, मगर खुदा ने कोई चीज बेकार दुनिया में पैदा नहीं की, बेशक, ठीक है। तवक्कुल आपका अल्लाह पे होना चाहिए, बाकी जराए हैं सारे के सारे। तो अगर आपके पास पत्थर है, असली पत्थर, कुछ लोग रूबी पहनते, कुछ जेमरी पहनते, उस पत्थर पे भी हीलिंग 24 घंटे रहती है एक दफा करने से, ठीक है। तो आपने अंगूठी ली, अगेन आपने दुरूद पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ ली, या कोई भी आप आयत पढ़ना चाहें अल्लाह की कलाम में, सिर्फ आपको फोकस करने के लिए, और वो बरकात का सिलसिला जो है, क्योंकि जब आप कुरान की आयत पढ़ना शुरू करते हैं तो वो एनर्जी की बीम शुरू हो जाती है, वो आपको महसूस भी, वो बीम होना शुरू हो जाती है, खुद खुद होती है, उसकी बरसात शुरू हो जाती है। उसके बाद आपने फोकस किया किसको देना, अब्बू को अंगूठी पहनते, मम्मा पहनती है, किसको देनी है। उसके बाद आपने फोकस करने के बाद उनका नाम लिया, 3 दफा फूंक मारी, ये अंगूठी 24 घंटे काम रहेगी, हर 24 घंटे में एक दफा दे दे, खासकर दर्द होगा जिसम में, कोई दर्द हो जिस्मानी, ये तो हमने किसी और चीज के लिए किया था ना दादा, ये जिस्मानी बीमारियों के लिए बहुत जिस्मानी बीमारियों, तो खास ठीक है, जरूरी है, मैं बस वक्त बड़ा कम रह गया, मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा हमारी चीजें। अब ये घर के अंदर अगर आपको डर लगता है कि जी मेरे पर जादू हुआ है, या हमारी बंदिश है, या घर में नाचाकी है, लड़ाई झगड़े हैं, मोहब्बत प्यार नहीं है, तो अब ये तो बहुत बड़ी लिया है समाज जो है ना, बहुत बड़ी कैंडल ले रही है, मगर नॉर्मली इससे छोटी होती है, 9 इंच 2-3 घंटे जलती है, और व्हाइट कलर की होनी चाहिए। ये जो ये कलर है ना, ये उस वक्त जलाते हैं जब आपको महबूब का प्रॉब्लम हो, हम नौजवान नस्ला के पीछे पड़ जाएंगे। अब क्या करना है आपने कि 40 कैंडल्स लेनी है आपने, एक साथ ऐसे हाथ में रखनी है, 40 40 40, ठीक है। जब अगर कोई इस किस्म की बात हो, घर के अंदर परेशानी हो, रिस्क का प्रॉब्लम होता है और बहुत सारे मसाइल होते हैं, आपने रखी आंखें बंद की उसी अमल के साथ, पहले दुआ दुरूद, फिर कोई आयत, और उसके बाद फोकस। मगर यहाँ फोकस ये करना है कि तसव्वुर करना है कि मोमबत्ती जल रही है, और उस घर के अंदर जो आप चाहते हैं कि रिस्क आ जाए, जॉब मिल जाए, मोहब्बत हो सास में बहू में, जो भी आप चाहते हैं, घर में सुकून शांति अमन, तो वो आपने विजुलाइज करके घर के तमाम अफराद का नाम लेना है 3-3 मरतबा, और फिर उसमें फूंक मार के, अब ये मोमबत्ती आपने एक साथ फूंक मारी, अब आपने रख दी,
रोज रात को सोने से पहले किसी ऐसे कमरे में जिसमें पंखा ना हो, मतलब उसी घर में जहां तमाम अफराद रहते हो, एक बड़े से थाल में इस मोमबत्ती को रखेंगे, जलाएंगे और आप सो जाएंगे। सुबह देखिएगा अगर जादू है उस घर पे तो मोम का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। इसके लिए रेकी जरूरी है जी, इसके लिए रेकी जरूरी है। एक सेकंड, आपने क्या कहा कि अगर जादू है तो आपको मोम नहीं बचेगा? सौ फीसद। लेकिन इसके लिए रेकी जरूरी है, मगर चले जब तक रेकी नहीं होती कम से कम आप कुछ दिनों तक ये करके देख लें। और ये 40 आपको रोज रात को एक जलानी है, अगर मोम बचता है तो जमा करना है, जब मोम जमा हो जाए 40 दिन के बाद उसको बहते पानी में फेंक देना है, मगर अगर जादू होगा तो मोम नहीं बचेगा। और 2-4 दिन के बाद देखेंगे वही मोमबत्ती एक ही ब्रांड की एक ही कंपनी की, 3-4-5-6 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा मोम बचना शुरू होगा, तो अब आपको पता चला कि नेगेटिविटी जा रही है। और वो आपने जब आप जो डॉक्टर साहब ने तरीका बताया, वो आपने जब आंख बंद करके सोचना है कि मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है और वो तमाम लोग मौजूद हैं, ये डॉक्टर साहब आपने कहा ना, ये आपका ख्याल रखना है। अच्छा, आखिरी एक चीज और भी है जी डॉक्टर साहब, और दो चीजें, ये छोटी सी है, सफेद कागज ले लें, ये उस वक्त जब आप चाहते हो कि आपको ख्वाब में किसी चीज का जवाब मिल जाए, किस डॉक्टर के पास जाऊं, इससे इलाज करूं ना करूं, ये दवाई सही है मेरे लिए कि नहीं, ठीक है, तो ये तो बड़ा कागज है, ऐसा छोटा कागज ले लें, इसका 1/4 ले लें और ये आप अमल करेंगे सोने से पहले। मैं बना के दिखाता हूं, अगर अगेन तवक्कुल अल्लाह पे, ये सारी साइंटिफिक चीजें हैं और जिस जमाने में साइंस नहीं थी लोगों के पास बड़ा इल्म था बेशक, और उसको आपको किस्सा याद है ना कि जिब्राइल ने सलाम जमीन पे तशरीफ लाए तो एक लड़का खेल रहा था और उससे पूछा कि तू बता जिब्राइल कहां है, उसने वही कैलकुलेट करके, तो उस दौर में ऐसा इल्म था, बड़े बड़े पिरामिड बने जो आज नहीं बन सकते, बेशक बेशक, उस दौर के उलू में। छोटा सा कागज लिया आपने, इस कागज में मैं जो बना रहा हूँ वो बाद में आप देख लीजिएगा कैसे बनाया जाता है। क्लोज प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, आपने 7 इस तरह के त्रिकोण बनाए, ट्राइंगल, अगेन आपके अकीदे के मुताबिक, मजहब के मुताबिक, इसके ऊपर चाहे तो बिस्मिल्लाह से शुरू करें आप। मैं इसलिए नहीं कर रहा इस वक्त कि ये कागज नहीं छोड़ के जलाऊंगा, बेहुरमती होगी, ठीक है ना, बेहुरमती ना हो कागज की। इस तरह 7 आपने बना लिए और उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, उसमें आप का अपना नाम जो ख्वाब देखना चाहता है, ठीक है, लेट से आपका नाम सब क्या है, तो आपने स्वास्थ्य पहला वाला लव्स, ठीक है, पहले आपने स्वाद लिख दिया, सफिया स्वाद से लिखा जाता है, उसके बाद आपका कोई प्रॉब्लम है, अगर लेट से सवाल क्या है कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं, तो डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए बीमारी, तो बाकी जो ये आखिरी 2 छोड़ के बाकी जो 4 है उसमें आप कोई भी ऐसा वर्ड डाले कि या तो जिसकी आपको तलाश हो, मतलब सवाल का जवाब चाहिए आपको, लेट से डॉक्टर, तो आप डी डाल दे, अंग्रेजी इंग्लिश है तो डी डाल दे, डाल दे, ठीक है, उसके बाद आप चाहती हैं कि जी लेट से शादी का मसला है कि रिश्ता है, आप चाहती हैं कि मालूम हो कि सही है कि नहीं, तो उस लड़के का नाम जिसका रिश्ता है उसके नाम का पहला हर्फ डाल दिया आपने, बीम डाल दिया आपने, ठीक है, मसूर डाल, इस तरह आखिरी जो 2 है इसके अंदर आप अपना नाम अगेन स्वात और वालिदा का नाम का पहला वर्ड, लेट से मरियम है तो मीम डाल दिया, ठीक है, ये करने के बाद इसको आपने बंद किया, फोल्ड किया, तैयार करके बिस्तर के सराहने रख दिया। अब जब सोने का वक्त आया, आंखें बंद की आपने, आंखें बंद करके बाद आपने पानी का एक ग्लास लिया, उस ग्लास में पीने का पानी हो, शीशे का ग्लास शर्त ही होनी चाहिए, ठीक है, आपने अपनी आंखें ऊपर की, ऐसे ये आंखें वो ऊपर वाली नहीं होता जो आमतौर पर लोग असेंबलियों में आंखें ऊपर ही होती है, गुरूर वाली आंखें नहीं, सिर्फ ऊपर की, क्योंकि जैसी आपकी आंखें ऊपर होती है आपके ब्रेन के अंदर बिजली का जो करंट है वो चेंज होता है। ये आपने की और इस ग्लास को पीते हुए आपने कहा कि मेरे जहन में जो सवाल है उसके जवाब के लिए मुझे इतना ही करना है, आधा ग्लास पानी पिया, रख दिया, ये तकिए के नीचे रख दिया आपने, उसके बाद आपको किसी से बात नहीं करनी, आंखें बंद करके सो जाना है, रात को आपको ख्वाब आएगा, आपको जो चीज लिखी है इसका जवाब मिल जाएगा, 3 रातों के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। ये हम आपके इस पर फेसबुक पे भी डाल देंगे, ठीक है, उसके बाद ये बड़ी काम की चीज है, जब आपका मिल जाए आपको, ठीक है, आप खैरात दे दें, कुछ लोगों को खाना सदका दे दें, खैरात दे दें, और इसको आपने इस तरह नहीं फेंकना, इसको अगेन कच्ची मट्टी में गाड़ दें या फिर आप बहते पानी में फेंक दें। वंडरफुल। आखिरी चीज मैं आपको एक तोहफा दे रहा हूं, ये सिर्फ तोहफा जो आपका है ये हम 7 दिन के लिए आपको दे रहे हैं, और मजे की बात है कि अब तो साइंस की वजह से बहुत सारी चीजें समझ में आती है, आप अमेरिका में बैठे हैं, यहां से आपने
माया ने फोन किया। अब माया की